आगे मुहे करी तो आप घंटा हरा हरा जो हरा हरा करे ये मेला जो है बरसों से लग रहा है, सैकड़ों बरसों से लग रहा है। और यहाँ के पूर्वज भी बताते हैं कि उनके अनेकों पूर्वज इस मेला को लगाते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में मेला लगता है और यह देखने से विश्वास हो गया है। सबके हाथों में नाग है, बड़ा बड़ा नाग है, प्रेत है, अफसर है, गहमन है। इस तरह का मेला बिहार में सबसे बड़ा मेला यह लगता है और यहाँ मेला बड़ी श्रद्धा पूर्वक लोग मनाते हैं। यह मेला अपने आप में बहुत बड़ा मेला है। ये तो हमारे पूर्वज भी नहीं बताते हैं कि कितना दिन से मेला लगता है। मेला यह सैकड़ों वर्षों से लगता है। यह मेला हमारे क्षेत्र के लिए यह गौरव का विषय है। जो आप देख सकते हैं कि सैकड़ों के संख्या में लोग नाग बाबा को रखे हुए हैं, अपने गले में धारण करते हैं और ये नाग बाबा यहाँ के लोगों को, यहाँ के भक्तों को कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। यह परंपरा चलती आ रही है, तो भगवान जी का कृपा है। कैसे होता है ये? और विश्वसनीय लोग को सांप जमीन पर नहीं पकड़ पाते, आप जो है बहती पानी में से सांप लेके बाहर आते हैं। वो तो भगवती का महिमा है, पूजा नहाने के लिए हम लोग निकलते हैं, नहाने के लिए आते हैं। भगवती माता भगवती की, भगवती का वो सिंगार है सांप, इसलिए हम लोग आते हैं वहाँ। सांप हमारे को नदी में अपने आप मिलता है। कब से हो रहा है ये? तो हमारे परदादा के दादा के समय से आ रहा है, 100 साल पहले से आ रहा है। ये क्या नाग पंचमी के दिन ऐसा होता है कि इसके बाद भी आप ऐसा कर सकते हैं? इसके बाद नहीं होगा, नाग पंचमी में ही होता है। हाँ, साल में भी।